टैक्स से जुड़ी परेशानियों से आपके कारोबार का पूरा विवरण तैयार करने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। खरीफ सीजन में फसलों की बुआई का काम पूरी तरह है बारिश पर निर्भर करता है, लेकिन इस बार मॉनसून में देरी के कारण फसलों की बुआई में भी देरी हो रही है। इससे फसल की पैदावार और क्वालिटी दोनों प्रभावित हो सकती है। वहीं कुछ किसानों ने प्री मॉनसून बारिश के दौरान बारिश पड़ने पर बुआई का काम निपटा दिया था, लेकिन बारिश ना होने के कारण उन्हें सिंचाई पर खर्चा करना पड़ रहा है। दूसरी तरफ महाराष्ट्र में तेज बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है और किसान भी तेजी से खेतों की तैयारी और बुआई के कामों में जुट गए हैं। महाराष्ट्र में मॉनसून की दस्तक के बाद कृषि विभाग ने खेतों की तैयारी की जो थी उसको अनुमति दे दी है, लेकिन बुआई के लिए किसानों को थोड़ा और इंतज़ार करना पड़ सकता है। वहीं बारिश में देरी के चलते महाराष्ट्र के कई किसानों ने प्रमुख दलहनी फसलें जैसे तूर, उड़द और मूंग की बुआई ना करने का फैसला किया है, क्योंकि समय के बाद उनकी बुआई करने पर फसल की क्वालिटी प्रभावित होती है और बाजार में उसके सही भाव नहीं मिल पाते हैं। लेकिन महाराष्ट्र के किसान सोयाबीन और कपास की खेती बड़े पैमाने पर करते हैं। इससे अनुमान लगाया जा रहा है कि सोयाबीन और कपास की पैदावार में बढ़त दर्ज की जा सकेगी। मौसम वैज्ञानिकों ने जून के अंत तक मॉनसून के कमजोर रहने का अनुमान जताया है। ऐसे में दलहनी फसलों के साथ साथ झारखंड में धान की खेती में देरी हो रही है। रिपोर्ट्स की माने तो झारखंड में पिछली बार के मुकाबले 40-60% कम बारिश हुई है, जिससे खेती के लिए सिंचाई और पानी की कमी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं धान के किसान भी नर्सरी भी नहीं लगा पा रहे हैं। ऐसे में धान की उत्पादकता को प्रभावित ही होगी, किसानों का श्रम और नुकसान भी बढ़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। आपके हर बिल को बनाने और उसका हर हिसाब रखने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।